नमस्कार, सिटी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं जे क्यासु। छतरपुर से खबर सामने आ रही है। छतरपुर नगर पालिका अधिकारी शहर को ग्रीन और क्लीन बनाने के लिए लगातार बाड़ों का भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने बाड़ परिक्रमा अभियान के अंतर्गत लगभग अभी तक 9 बाड़ों का भ्रमण किया है। वहां पर साफ सफाई और भी अन्य सुख सुविधाओं की व्यवस्थाएं जांची और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यहां पर पूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किसी प्रकार की लापरवाही न हो। श्री भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार की ये मंशा है कि हमारे शहर और बाड़ बिल्कुल साफ रहे, सुरक्षित रहे। साथ ही कलेक्टर सीलन सिंह के भी निर्देश पर ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान 2022 के अंतर्गत ये पूरा अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त वार्डों में ये भ्रमण किया जाएगा। शहर के लगभग 40 वार्डों में नगरपालिका अधिकारी ओमपाल सिंह भदौरिया भ्रमण करेंगे और जहां भी गंदगी पाई जाती है तो वहां पर तुरंत ही निर्देश देंगे कि यहां की सफाई की जाए और रेगुलरिटी में ये सफाई जारी रहे। इसके लिए वह अपने नगरपालिका के कर्मचारियों के साथ ये भ्रमण कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी वार्ड अछूता नहीं रहेगा जहां पर सफाई ना हो। देख किस तरह की बता दें, कलेक्टर सर के निर्देश पर हम लोगों ने सुबह जो है मॉर्निंग फॉलोअप एक कार्यक्रम बनाया है, जिसमें शहर के विभिन्न वार्डों में यहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ जो स्थानीय समस्याएं हैं, सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और जो भी इस तरह की दिक्कतें हैं, रोड रेस्टोरेशन, तो उन सब मुद्दों पर स्थानीय लोगों के साथ, जैसे आज हमारे साथ श्रीमती शोभा राजपूत जी हैं, उन्होंने भी यहाँ भ्रमण किया है और ऐसे ही स्थानीय लोगों के साथ सभी कॉलोनीज का, सभी वार्डों का भ्रमण कार्यक्रम जारी रहेगा और इसमें जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी उनका मौके पर निराकरण किया जा रहा है और जो बड़ी समस्याएँ हैं उनके लिए हम लोग प्रपोजल तैयार करके कलेक्टर सर की अनुमति से उनकी।